मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 3। पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने इफेक्टिवली ये एक बॉक्स पढ़ा था, 71 ग्राम Cl2 इक्वलेंट टू 6.023 10^23 Cl2 मॉलिक्यूल्स, इक्वलेंट टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल Cl2 इक्वलेंट टू 22.4 लीटर Cl2 एट STP इक्वलेंट टू 1 मोल Cl2 मॉलिक्यूल्स। और इस बॉक्स पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है, 1 मोल Cl2 मास कितना 71 ग्राम। तो यहाँ पर मोल और मास, यहाँ पर एक रिलेशन हम लोग ये डेराइव कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि 71 ग्राम Cl2 है तो एक मोल है, अगर यहीं पर 142 ग्राम Cl2 होगा तो दो मोल होगा। सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक करके चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होंगी। क्वेश्चन नंबर 1, ए पीस ऑफ कॉपर वेज 0.635 ग्राम, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन। तो कॉपर आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए इसका एटॉमिक मास, विच इज 63.5। और 63.5 आते ही दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम 63.5 ग्राम कॉपर ले लें तो दिस विल बी इक्वलेंट टू 6.023 × 10^23 कॉपर एटम्स के। अब हमें दिया गया है कितना, 0.635 ग्राम कॉपर, तो हम कहेंगे कि भाई 0.635 ग्राम कॉपर विल बी इक्वलेंट टू 0.635 दिस डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 6.023 10^23 Cu एटम्स के। ये आ गया। अब जो लोग फार्मूला से करना चाहते हैं वो लोग ऐसे भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर दिस इज मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो मास इन ग्राम कितना दे रखा है हमें, 0.635, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5। तो ये कॉपर के नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब एक मोल में एटम कितने होते हैं, 6.023 × 10^23। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर दिस इज 0.635 डिवाइडेड बाय 63.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 × 10^23। तो चाहे तो हम फार्मूले से आप क्वेश्चन सॉल्व करें जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, और चाहे तो हम ये बेसिक डेफिनेशन अपनी, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग बेसिक डेफिनेशन याद रखें जो कि इस बॉक्स में दी हुई है। अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स वेज 6.644 × 10^-23 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 40 kg ऑफ इट। तो एक एटम अगर एक्स का लिया जाए तो उसका मास इतना ग्राम है, तो अगर हम 6.023 × 10^23 एटम्स ले लें तो मास कितना होगा, जो भी उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो हम कहेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 6.023 × 10^24 × 6.644 × 10^-23 ग्राम। ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया।
अब ग्राम एटॉमिक मास हमें मिल गया है, हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 40 केजी ऑफ इट। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एक्स, दिस इज नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एक्स कहें चाहे नंबर ऑफ मोल कहें, बात बराबर है। तो दिस इज मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो मास कितना दिया हुआ है, 40 इंटू 10^3 ग्राम, और एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास इसका आया है 6.023 × 10^23 मल्टीप्लाइड बाई 6.644 × 10^-23। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 10^21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। ये जो यहाँ लिखा हुआ है 10^21, दिस इज एक्चुअली 10^21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। तो पहले हम देख लें कि टोटल मोल कितने थे इनिशियली। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज नंबर ऑफ मोल मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है, 200 × 10^-3 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास CO2 का 44, तो इतने नंबर ऑफ मोल इनिशियली थे। अब 10^21 मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए गए हैं, तो रिमूव्ड मोल्स दिस इज, अब हमें पता है कि एक मोल में कितने होते हैं, 6.023 × 10^23 मॉलिक्यूल होते हैं। 10^21 रिमूव किए गए हैं, तो नंबर ऑफ मोल कितने रिमूव किए गए हैं, 10^21 दिस डिवाइडेड बाय 6.023 × 10^23। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। तो फिर लेफ्ट मोल्स दिस इज इक्वल टू इनिशियल जो मोल है 200 × 10^-3 डिवाइडेड बाय 44 माइनस 10^21 दिस डिवाइडेड बाय 6.023 × 10^23। ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 AMU ऑफ हीलियम। तो हीलियम का हमें पता है एटॉमिक मास कितना होता है 4, दैट मीन्स हीलियम का एक एटम लेंगे तो मास कितना होगा 4 AMU। तो 4 AMU ऑफ हीलियम दिस इज सेम एज 1 हीलियम एटम के। हमसे पूछा जा रहा है 100 AMU में, तो 100 AMU ऑफ हीलियम दिस विल बी इक्वलेंट टू 100 / 4 helium atoms। ये हो जाएगा। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। द मेजर्ड डेंसिटी ऑफ हीलियम एट STP इज 0.1784 ग्राम पर लीटर, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ इट। तो STP आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर कोई भी गैस हो उसका हम 22.4 लीटर STP पर ले लें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर गैस एटॉमिक फॉर्म में है तो एटम, गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 × 10^23। यह हम कह दें कि हमें उस गैस का 1 मोल मिल जाएगा। तो मेजर डेंसिटी, अगर हम 1 लीटर हीलियम ले लें तो इसका मास कितना है, दिस इज 0.1784 ग्राम। अगर हम 22.4 लीटर हीलियम ले लें तो इसका मास होगा 22.4 ×
1784 ग्राम, ये, और 22.4 लीटर हीलियम एसटीपी पर जो होगा वही 1 मोल हीलियम होगा। तो फिर हम कहेंगे कि मास ऑफ 1 मोल हीलियम दिस इज इक्वल टू 22.4 इंटू 0.1784 ग्राम। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड इट्स वेट इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले इसका मॉलिकुलर मास आना चाहिए जो कि 100 है। तो दैट मीन्स अगर हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो नंबर ऑफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट के कितने होंगे? 1। तो 50 ग्राम में कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिस इज इक्वल टू 50/100। सिंपल कह सकते हैं मास बाई मॉलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट के मिल गए हमें यहाँ पर ये। अब एक कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 3। तो फिर हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दिस इज इक्वल टू 50/100 इंटू 3। ये इतने नंबर ऑफ मोल्स हो गए ऑक्सीजन एटम्स के। हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के मोल नहीं पूछे जा रहे, ऑक्सीजन एटम का नंबर पूछा जा रहा है। तो फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दिस इज इक्वल टू 50/100 इंटू 3 इंटू 6.023 × 10³, क्योंकि एक मोल में कितने होते हैं? 6.023 × 10³। और साथ ही साथ हमसे पूछा जा रहा है मास कितना होगा। तो दैट मीन्स मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये नंबर ऑफ मोल्स ये दिए हुए हैं और हमें पता है कि एक मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो इतने मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 50/100 इंटू 3 इंटू 16 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ए सैंपल ऑफ इथेन हैज द सेम मास एज 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। हाउ मेनी C2H6 मॉलिक्यूल्स डज द सैंपल कंटेन? तो लेट द सैंपल contains X molecules. अब number of molecules X हैं अगर C2H6 के, तो number of moles कितने होंगे? अगर हम 6.023 × 10²³ molecule लेते हैं तो mole होता है 1। तो X molecule लेंगे तो mole कितने होंगे? X upon 6.023 × 10²³, इतने मोल हो गए हमारे पास C2H6 के। अब हमसे क्वेश्चन में चूंकि कहा जा रहा है सैंपल ऑफ इथेन हैज द सेम मास, दैट मीन्स इथेन के मास की बात की जा रही है, तो ये हमें x अपॉन 6.023 × 10²³, ये C2H6 के मोल मिल गए। और C2H6 के एक मोल का मास कितना होगा? 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो C2H6 का जो मॉलिकुलर मास है वो 30। तो नंबर ऑफ मोल C2H6 के ये, तो C2H6 का जो मास होगा दिस मल्टीप्लाइड बाई 30। तो ये C2H6 का मास हो गया। और हमें बोला जा रहा है कि C2H6 का उतना ही मास है जितना कि मीथेन का मास है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब मीथेन का मास देखना है तो मीथेन के मॉलिक्यूल कितने हैं? 10 मिलियन। तो 10 मिलियन मतलब 10 × 10², ये मीथेन के मॉलिक्यूल हो गए। अब मीथेन के मॉलिक्यूल इतने हैं तो मीथेन के नंबर ऑफ मोल दिस डिवाइडेड बाय 6.023 × 10²³,
ये मीथेन के नंबर ऑफ मोल हो गए, और मीथेन के एक मोल का मास मीथेन होता है CH4, एक कार्बन और चार हाइड्रोजन, तो मीथेन का जो मॉलिकुलर मास होता है वो 16 होता है। तो मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, तो मीथेन का जो मास होगा दिस नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मॉलिकुलर मास 16, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaWO4 वुड कंटेन द सेम मास ऑफ टंगस्टन दैट इज प्रेजेंट इन 569 ग्राम ऑफ Fe2O4। टंगस्टन का जो एटॉमिक मास है वो 184 दे रखा है, तो इसमें भी हम लिखें लेट एक्स ग्राम ऑफ CaWO4 इज रिक्वायर्ड। अब CaWO4 का मास हुआ एक्स ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल मास बाई मॉलिकुलर मास, तो दिस एक्स डिवाइडेड बाई, अब CaWO4 का मॉलिकुलर मास कैल्शियम का 40, टंगस्टन का 184 प्लस चार ऑक्सीजन का 64, तो ये हो गया हमारे पास CaWO4 के नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो CaWO4 के नंबर ऑफ मोल एक्स अपॉन दिस मच है ना। अब एक CaWO4 में टंगस्टन का एक ही एटम है, तो इतने मोल अगर CaWO4 के हैं तो इतने मोल CaWO4 में टंगस्टन के मोल कितने होंगे, इतने ही, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ टंगस्टन दिस मल्टीप्लाइड बाई 1। अब टंगस्टन के एक मोल का मास कितना है 184 ग्राम, तो इतने मोल ऑफ टंगस्टन का जो मास होगा दिस मल्टीप्लाइड बाई 184 ग्राम, तो ये हमें मिल गया एक्स ग्राम CaWO4 में टंगस्टन का मास। अब हमसे कह रहा है कि 569 ग्राम Fe2O4 में भी टंगस्टन का इतना ही मास है, तो Fe2O4 के नंबर ऑफ मोल मास दिस 569 बाई मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास Fe2O4 में Fe का 56, W 184 और चार ऑक्सीजन का 64, ये मोल हो गए Fe2O4 के, और Fe2O4 के एक मोल में जो टंगस्टन के मोल हैं वो एक ही हैं, तो इतने में दिस मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये टंगस्टन के मोल हो गए 569 ग्राम Fe2O4 में, तो फिर टंगस्टन का मास इसमें नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास विच इज 184, तो यहाँ से हमें एक्स सीधे मिल जाएगा। ये अगला प्रॉब्लम देखते हैं, थ्री एटम्स ऑफ मैग्नीशियम कंबाइन विद टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो थ्री एटम मैग्नीशियम के, तो दैट मीन्स थ्री एटम मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है दो एटम नाइट्रोजन के साथ, तो तीन एटम मैग्नीशियम दो एटम नाइट्रोजन, तो हम कहेंगे 300,000 एटम मैग्नीशियम के होंगे तो 200,000 एटम नाइट्रोजन के होंगे, या हम कहें कि 3 मोल मैग्नीशियम के अगर होंगे तो कंबाइन करेगा 2 मोल नाइट्रोजन के साथ। 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होगा 24 ग्राम, तो 3 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होगा 3 × 24 ग्राम जो मैग्नीशियम होगा वो कंबाइन करेगा, 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 ग्राम, तो 2 मोल का मास होगा 2 × 14 ग्राम नाइट्रोजन से। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वेट ऑफ मैग्नीशियम विच कंबाइंस विद 1.86 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो अब हमें पता है कि 2 × 14 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन लें तो ये कंबाइन करेगा 3 × 24 दैट मीन्स 72 ग्राम मैग्नीशियम से। हमसे पूछा जा रहा है कि 1.86 ग्राम नाइट्रोजन कितने मैग्नीशियम से करेगा, तो दिस 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 72 दिस डिवाइडेड बाई
28 ग्राम मैग्नीशियम से, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 600 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ O3 एंड O2 वेज 1 ग्राम एट STP, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर। तो हम लिखें कि लेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन O3 इज VML इन द मिक्सचर। तो O3 अगर VML है तो O2 कितना होगा, 600 माइनस VML। और चूंकि यहाँ पर STP की बात है तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर हम 22.4 लीटर गैस ले STP पर, तो गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 6.023 × 10⁻², या कहते गैस कितनी होगी, 1 मोल। तो VML O3 है तो इसमें O3 के नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, दिस डिवाइडेड बाई 22,400 ml, क्योंकि VML में है तो नीचे भी हमें ml में लेना पड़ेगा। तो ये मोल हमें किसके मिल गए, ओजोन के, O3 के मोल मिल गए। तो O3 के अगर मोल इतने हैं तो O3 का मास कितना होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ O3, मॉलिकुलर मास O3 का 48, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 48, तो ये हमें मास मिल गया O3 का, दिस मास ऑफ O3 प्लस, अब O3 अगर VML है तो O2 कितना है, 600 माइनस VML, तो O2 के नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, दिस डिवाइडेड बाय 22,400, तो ये हमें मिल गए O2 के नंबर ऑफ मोल। और O2 के एक मोल का मास कितना होता है, 32 ग्राम, तो O2 के इतने नंबर ऑफ मोल का मास कितना होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय 32 ग्राम, ये हमें मिल गया मास ऑफ O2, मास ऑफ O2, और दोनों का मास मिला के हमें कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे हमें V मिल जाएगा आराम से। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स थे जो हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस में थ्योरी पढ़ी उस पर बेस्ड। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इक्वेशन पर बेस्ड, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस, इसको स्टोचियोमेट्री भी बोलते हैं। इसको हम एक इस एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। 2KClO3 गोइंग टू 2KCl प्लस 3O2, इस इक्वेशन से शो हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल अगर KClO3 के डिसोशिएट हो रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल KCl के बन रहे हैं और 3 मॉलिक्यूल O2 के बन रहे हैं। यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 2, ये 2 और ये 3, इनको हम स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ये शो होता है कि ये जो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में हो, ये इसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे। जैसे कि ये दो मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल, अगर हम कहें कि ये 20 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये भी 20 मॉलिक्यूल्स होंगे और ये 30 मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक्सट्रापोलेट कर दें मोल में तो हमें मिल जाएगा कि अगर 2 मोल KClO3 के रिएक्ट करें या डिसोशिएट करें कह सकते हैं, तो 2 मोल KCl बनेगा और 3 मोल O2 के बन जाएंगे। तो स्टोचियोमेट्री में जो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं वो इन्हीं स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की मदद से सॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम्स और कैसे सॉल्व करेंगे ये आगे हम एग्जांपल में देखेंगे। तब तक इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, वो देखते हैं हम लोग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ
लिमिटिंग रिएजेंट इसको भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन हमें दी हुई है 2a प्लस 3b प्लस 5c गोइंग टू 4d प्लस 7e। तो यहां पर ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो शो कर रहे हैं कि अगर 2 मोल ए रिएक्ट करेगा तो 3 मोल बी रिएक्ट करेंगे और 5 मोल सी के रिएक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट साइड में देखें तो 4 मोल डी के बनेंगे और 7 मोल ई के बनेंगे। दैट मींस जो रिएक्टेंट साइड में रेशियो है वो 2, 3, 5 का है, प्रोडक्ट साइड में रेशियो जो है वो 4 और 7 का है। अब यहां पर अगर रिएक्टेंट्स ए बी सी इस 2, 3 और 5 के रेशियो में दिए हुए हैं तो ये तीनों एक साथ खत्म होंगे। अगर मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट ए बी और सी ये 2, 3 और 5 के प्रोपोर्शन में ना देके किसी और प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं तो अब इनमें से कोई एक एलिमेंट पहले खत्म हो जाएगा, तो जो एलिमेंट पहले खत्म होगा वही रिएक्शन रोक देगा, वही रिएक्शन पे लिमिट लगा देगा और उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। समझने के लिए मान लेते हैं कि 5 मोल ए के दिए हुए हैं, 4 मोल बी के दिए हुए हैं और लेट्स से 9 मोल सी के दिए हुए हैं। अब चेक करना है इसमें कि ए बी और सी में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ए को हम लिमिटिंग रिएजेंट मान रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ए पहले खत्म हो जाएगा, जब ए खत्म होगा तो बी और सी बचे रहेंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से दिख रहा है कि अगर 2 मोल ए के रिएक्ट करेंगे तो 3 मोल बी के रिएक्ट करना चाहिए, अगर 1 मोल ए का रिएक्ट करेगा तो बी के 3/2 मोल रिएक्ट करने चाहिए, अगर ए के पूरे 5 मोल रिएक्ट कर जाए तो बी के कितने मोल रिएक्ट करने चाहिए, 3/2 × 5। तो हम कहें यहां पर फॉर ए बीइंग द लिमिटिंग रिएजेंट रिक्वायर्ड बी इज इक्वल टू 3/2 × 5, तो दिस इज 7.5। दैट मीन्स ए लिमिटिंग रिएजेंट हो, ए पहले खत्म हो, उसके लिए बी की जरूरत कितनी है, 7.5 मोल की, जबकि हमने कितना ले रखा है 4। तो इसका मतलब यह है कि बी अलाउ नहीं कर रहा है कि ए लिमिटिंग रिएजेंट हो, बी तब अलाउ करता है जब बी हमें 7.5 मोल से ज्यादा दिया होता, तो इसका मतलब ए लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करें बी की तरफ, लेट बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब बी लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब बी पहले खत्म हो जा रहा है और जब बी खत्म हो रहा है उस समय ए और सी बचे रह रहे हैं। चेक करते हैं क्या रिक्वायर्ड ए और सी हमें दिए हुए हैं, तो रिक्वायर्ड ए। अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या कह रहे हैं कि अगर 3 मोल बी रिएक्ट करेगा तो ए कितना रिएक्ट करेगा, 2 मोल, 1 मोल अगर बी रिएक्ट करेगा तो ए कितना रिएक्ट करेगा, 2/3 मोल, बी पूरा 4 मोल खत्म हो जाए तो ए कितना रिक्वायर्ड होगा, दिस इज इक्वल टू 2/3 × 5, तो दिस इज 10/3। हमें जरूरत है 10/3 की और दिया कितना है 5, दिस इज लेस देन 5। इसका मतलब ए अलाउ कर रहा है कि बी लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है। अब हम सी को चेक करें, अगर सी भी अलाउ कर दे कि बी लिमिटिंग रिएजेंट हो तो फिर बी लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, रिक्वायर्ड सी
स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें, 3 मोल अगर बी रिएक्ट कर रहा है तो सी कितना चाहिए, 5 मोल। अगर 1 मोल बी रिएक्ट करेगा तो सी कितना चाहिए हमें, 5/3। 4 मोल अगर बी रिएक्ट करे तो कितना चाहिए, 5/3 इंटू 4, तो दिस इज 20/3। हम लोगों ने ले कितना रखा है, 9 मोल, दिस इज लेस देन 9, दैट मीन जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा हम लोगों ने ले रखा है। इसका मतलब सी भी अलाउ कर रहा है कि बी लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए, इसका मतलब यह है कि लिमिटिंग रिएजेंट बी फिक्स हो गया। अगर मान लीजिए बी भी लिमिटिंग रिएजेंट ना आता, ए या सी में से कोई अलाउ ना करता कि बी लिमिटिंग रिएजेंट हो, तो नेक्स्ट फिर हम सी पर जाते। अब ये फिक्स हो गया कि बी लिमिटिंग रिएजेंट है, तब ये दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि बी तो 0 बचा, ए और सी कितने बचेंगे और डी और ई कितने बनेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने 2a प्लस 3b प्लस 5c गोइंग टू 4d प्लस 7e इक्वेशन ले रखी है। इनिशियली a 5, b 4 मोल और c 9 मोल और ये 0 0। बी लिमिटिंग रिएजेंट है तो बी 0 बचा, ए कितना बचेगा, 5 माइनस जो रिएक्ट कर गया, रिएक्ट कितना किया ये 7.5, सॉरी बी ए कितना रिएक्ट किया यहां पर 10/3, तो दिस 5 माइनस 10/3 ये बचा। सी कितना बचेगा, 9 मोल ले रखा था और रिएक्ट कितना किया है ये 20/3, तो सी बचा 9 माइनस 20/3। अब डी और ई कितने कितने बनेंगे, फिर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बी खत्म हो रहा है तो बी के रिस्पेक्ट में हमें चेक करना पड़ेगा, बी लिमिटिंग रिएजेंट है यहां पर। 3 मोल अगर बी रिएक्ट करता है तो 4 मोल डी बनता है, अगर 1 मोल बी रिएक्ट करेगा तो ये 4/3 मोल बनेगा, तो 4 मोल बी रिएक्ट किया है तो जो डी बनेगा वो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मोल। ई की बात करें तो फिर बी और ई को चेक करते हैं, 3 मोल अगर बी रिएक्ट करेगा तो 7 मोल ई बनेगा, अगर 1 मोल बी रिएक्ट करेगा तो ये 7/3 मोल बनेगा, पूरा 4 मोल अगर बी रिएक्ट कर गया है तो जो ई बनेगा वो 7/3 इंटू 4 मोल। ये इनिशियली हमें ये दिया हुआ है और हम लोगों ने चेक किया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने पे आया इसमें बी है, तो लिमिटिंग रिएजेंट बी है, बी 0 बचा है फाइनली, ए कितना बचा, सी कितना बचा, डी और ई कितने कितने मिले, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था लिमिटिंग रिएजेंट का। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स रिएक्शन पर बेस्ड देख लेते हैं। पहला प्रॉब्लम ये, व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाई 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम। इसमें केमिकल इक्वेशन जो होगी वो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन दिस गोइंग टू कैल्शियम ऑक्साइड। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का 1, कैल्शियम ऑक्साइड का 1, दैट मीन्स 1 मोल कैल्शियम रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑक्सीजन से और 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। हमें दे रखा है 1 ग्राम कैल्शियम, व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40, तो कैल्शियम के मोल कितने दे रखे हैं इसने हमें, 1/40 मोल। ऑक्सीजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन सरप्लस में है, तो ये सरप्लस में है ऑक्सीजन, ये इनिशियली 0 है। अब कैल्शियम जब पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो ये 0 बचेगा और चूंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 है तो जितना मोल कैल्शियम का खत्म होगा उतना ही मोल कैल्शियम ऑक्साइड का बन जाएगा। दिस
व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, दैट मींस कैल्शियम ऑक्साइड का मास पूछा जा रहा है हमसे, तो कैल्शियम ऑक्साइड के मोल कितने आ गए 1/40। कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिकुलर मास कितना होता है 56, तो यहां पर हमें मिल जाएगा मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज नंबर ऑफ मोल 1/40 मल्टीप्लाइड बाई मॉलिकुलर मास, 56 ग्राम। एक और एग्जांपल देखते हैं, व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम। पहला वाला ही है, सेम वही इक्वेशन, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, दिस गोइंग टू कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 1 ग्राम कैल्शियम ले रखा है, दैट मीन्स 1/40 मोल ले रखे हैं। अब यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पहले जैसे देखा था, 1 कैल्शियम का, 1 ऑक्सीजन का, 1 कैल्शियम ऑक्साइड का, तो अगर 1 मोल कैल्शियम है तो उसके लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के मोल कितने चाहिए हमें यहां पर, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/40, तो फिर मास ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल 1/40 मल्टीप्लाइड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। ये एक और एग्जांपल देखते हैं, ए सैंपल ऑफ KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन yielded 448 ml of oxygen gas at STP. Calculate the weight of oxygen produced. यहां पर इक्वेशन हमारा है 2KClO3, this going to 2KCl plus 3O2. ये A sample of KClO3, KClO3 डिकम्पोज हो रहा है, KCl बन रहा है और ऑक्सीजन गैस बन रही है, ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है हमें 448 ml, तो 448 ml ऑक्सीजन दी हुई है, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, दिस डिवाइडेड बाई 22,400, तो ये मोल ऑक्सीजन के हो गए, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल है 448, दिस डिवाइडेड बाय 22,400, और एक मोल का मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 32, तो दिस इज 32 ग्राम। ये पहले पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट वेट ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन, तो अब यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखते हैं, 2, ये 2 और ये 3, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये कहता है कि 3 मोल अगर ऑक्सीजन बन रहा है तो ये कितना रहा होगा, 2 मोल, तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन बन रहा है तो ये कितना रहा होगा, 2/3 मोल, तो अगर ये इतना मोल बन रहा है तो ये कितना होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मोल, तो हम कहें मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 448 डिवाइडेड बाई 22,400, ये मोल हो गए KClO3 के, तो वेट ऑफ KClO3 नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मॉलिकुलर मास, तो फिर यहां पर वेट ऑफ KClO3 दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 2/3 448 अपॉन 22,400 इनटू KClO3 का मॉलिकुलर मास, तो KClO3 में पोटेशियम 39, Cl 35.5 और 3 ऑक्सीजन का 48 ग्राम। ये आंसर हो जाएगा दूसरे पार्ट का। तीसरे पार्ट को देखते हैं, वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड, तो वेट ऑफ KCl, अब यहां अगर हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें KCl और KClO3 का,
तो दो और दो, दैट मीन्स KCl और KClO3 में 1:1 का रेशियो है। तो जितना मोल ये KClO3 का रिक्वायर्ड था उतना ही मोल KCl का बना होगा। तो KCl के नंबर ऑफ मोल ये, तो KCl का वेट दिस मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl, वेट ऑफ KCl, तो दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ KCl 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 448 डिवाइडेड बाय 22,400। KCl में पोटेशियम का 39 और Cl 35.5 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा। तो ये स्टोचियोमेट्री पर बेस्ड कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। आगे भी ऐसे ही लेक्चर्स अपलोड होंगे। ये पहले तीन लेक्चर्स मोल कॉन्सेप्ट का बैकबोन है। कोई भी सीरियस स्टूडेंट हो, अगर उसको एक बार में ना समझ में आवे तो दो बार वीडियो देखे, तीन बार देखे, चार बार देखे। अगर इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकता है, कुछ भी, कहीं कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है। लेकिन मैं बार बार अपने स्टूडेंट से हमेशा ये अपील करता हूं कि फार्मूलों का यूज करने से फिजिकल केमिस्ट्री में बचें। जितने ज्यादा फार्मूले आप यूज करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में, आपके उलझने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। ध्यान से अगर देखें तो जो हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया था जिसमें पांच चीजें थी और पांचों चीजें एक ही चीज के अलग अलग फॉर्म थे, जितने भी प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं सारे के सारे उसी बॉक्स पर बेस्ड हैं। तो कहीं कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और धीरे धीरे करके हम लोग पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इन वीडियोज़ में कवर करेंगे।